तो अब चाहे आ जाए आंधी, चाहे आ जाए तूफान और महंगी से महंगी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट सीना मिल जाए अपने जॉन सीना को, किसी भी हालत में जॉन सीना नहीं करने वाले मिस अपना इस ईयर का समर स्लैम। और भाई हलवाइयों को दे दो महंगे महंगे ऑर्डर, क्योंकि जॉन सीना की जो रिटर्न डेट है वो भी कंफर्म हो चुकी है कि कौन से स्मैकडाउन के शो के अंदर अपने जॉन सीना एक बार फिर आएंगे वापस और वो कन्फ्रंट करेंगे रोमन रेंस को। आज के एनएक्सटी के शो के बारे में भी करेंगे बात, जहां पर मैंडी रोज आ चुके हैं एनएक्सटी के अंदर और केरिन क्रॉस ने अटैक किया सामोआ जो पे। साथ ही में क्या है इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप जो कि फाइनल शो था थंडर डोम के अंदर, इसके बारे में भी हम लोग करने वाले हैं बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं आज के एनएक्सटी के शो के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से एनएक्सटी का एक और धमाकेदार और धांसू एडिशन था। लेकिन आज शो के ऊपर हमें रॉ की सुपरस्टार आती हुई नजर आती हैं जो कि मैंडी रोज हैं, जिनकी वैसे मेन रोस्टर के अंदर डैना ब्रूक के साथ एक टैग टीम है। लेकिन होता क्या है सरप्राइज वे में एनएक्सटी के अंदर आ जाती है मैंडी रोज, होता है शो के ऊपर डॉलिन और सैरी के बीच एक मैच, इस मैच के बीच में मैंडी रोज आती हुई नजर आती है, बिजनेस वाला सूट उन्होंने पाए रखा होता है और वो भाई खड़ी होती है एकदम एंट्रेंस ट्रैप के पास में और इस मैच को वो देखती है वहां खड़े होकर। और जैसे ही सैरी की जीत होती है मैंडी रोज काफी ज्यादा यू नो इंप्रेसिव वाला जो फेस एक्सप्रेशन है वो देती है कि इस विक्ट्री से वो काफी ज्यादा खुश है। और शो की एंडिंग के एक बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर भी मैंडी रोज इन्वॉल्व होती हुई नजर आती है। अब क्या प्लान है मैंडी रोज के एनएक्सटी के अंदर, ये बात पूरे तरीके से कंफर्म नहीं हुई है, क्या वो परमानेंटली एनएक्सटी में रहेंगी या फिर वो अब आने वाले टाइम में हमें एनएक्सटी और रॉ के अंदर दोनों के अंदर आती हुई नजर आएंगी, कोई भी बातें कंफर्म नहीं है। देख रहे हो मजा आएगा आने वाले टाइम में क्या होने वाले हैं मैंडी रोज के प्लान्स। इसके अलावा शो के ऊपर क्या होता है आज अपने जो एडम कोल बेबे हैं वो आते हैं रिंग के अंदर और वो कॉल आउट करते हैं सामोआ जो, क्योंकि भाई सामोआ जो तेरा बस हो गया, तो इन्फोर्सर बना घूम रहा है लेकिन तू बार बार जाके दूसरों के ऊपर हमला कर रहा है, इसलिए एडम कोल यहां पर चैलेंज करते हैं एक तरह का सामोआ जो को। होता है वहां से हमारे फॉर्मर चैंपियन ब्रॉनसन रीड आते हुए नजर आते हैं और वो हमला करते हैं एडम कोल के ऊपर, वो कहते हैं भाई तेरी टक्कर के लिए तो मैं ही बहुत हूं। इन दोनों के बीच एक थोड़ा ब्रॉल टाइप होता है और एडम कोल वहां से भाग निकलते हैं और फिर वहां से सामोआ जो की एंट्री होती है रेफरी वाले कपड़ों के साथ में और वो कहते हैं चलो तुम्हारी खुशी वाली बात यह कि मैंने रेफरी के कपड़े पाए वरना एडम कोल तुम्हारी मैं यहीं पर धुलाई कर देता, क्योंकि होना था मेन इवेंट के अंदर मैच एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए जॉनी टेक ओवर यानी कि जॉनी गार्गानो वर्सेस केरिन क्रॉस के बीच में। मैच की स्टार्टिंग से कैपिटल रेसलिंग सेंटर के अंदर जो लाइव फैंस है वो हमें जॉनी रेसलिंग के नारे लगाते हुए नजर आते हैं, पूरे तरीके से क्राउड उनके सपोर्ट में था मैच में, उनका काफी ज्यादा कमाल का एक्शन होता है, केरिन क्रॉस की पूरे तरीके से पावर भी हमें दिखाई देती है। काफी बार सामोआ जो और केरिन क्रॉस के बीच में हमें कॉन्फ्रंटेशन टाइप दिखाई देती है, होता है कि केरिन क्रॉस सबमिशन लगाते जॉनी गार्गानो को, वो मुश्किल से रस्सियों को पकड़ते लेकिन फिर भी चार गिनने के बाद यहां पर केरिन क्रॉस उन्हें नहीं छोड़ते। सामोआ जो गुस्से में आते हैं और वो उठा के केरिन क्रॉस को दूसरी तरफ फेंकते हैं और वो कहते हैं मैंने तुम्हें बताया था ना मैं नॉर्मल रेफरी नहीं हूं, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। रिंग साइड के ऊपर होता है कि केरिन क्रॉस उठा लेते हैं स्टील स्टेप्स और वो मारने चलते हैं जॉनी गार्गानो के ताकि मैच के अंदर हो जाए डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन सामोआ जो स्टील स्टेप्स उनके हाथ से छीन लेते हैं और उसे भी उठा के दूर फेंकते हैं। मैच की एंडिंग के अंदर अपने जॉनी टेक ओवर एक अच्छी मैच की परफॉर्मेंस के बाद भी जीत नहीं पाते हैं, डोमिनेट वे में जीत होती है एंडिंग के अंदर केरिन क्रॉस की और जैसी उनकी जीत होती है सामोआ जो उनका हाथ ऊपर उठाते हैं तुरंत नीचे करके चले जाते हैं। केरिन क्रॉस कहते हैं ये कौन सी भाई बदतमीजी टाइप हुई कि मैं जीता हूं तुम ढंग से रेफरी हो कि मेरा हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो। सामोआ जो गुस्से में यहां से जाने चलते लेकिन तुरंत केरिन क्रॉस अपना सबमिशन लगा देते हैं सामोआ जो को और उन्हें शो की एंडिंग के अंदर बेहोश कर देते हैं। और कुछ इस तरीके से आज का एनएक्सटी का शो होता है खत्म और लग ऐसा रहा कि अब सामोआ जो और केरिन क्रॉस का आमना सामना होगा। मेन इवेंट मैच काफी ज्यादा बेहतरीन था और आज का एनएक्सटी का एक और कमाल का एडिशन ऐसे ही कुछ खत्म होता है। अब बात करते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में और ये जुड़ी है इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के व्यूअरशिप के बारे में जो कि था रॉ का गो होम एडिशन मनी इन द बैंक के शो के लिए, प्लस ये जो रॉ का एपिसोड था वो था फाइनल शो थंडर डोम के अंदर। और जिन लोगों को नहीं पता ये वाला जो शो था वो ऑलरेडी टीवी टेप्ड था, WWE ने शो को पहले रिकॉर्ड करके रखा था, ये जो शो है बिल्कुल भी लाइव नहीं था। और भाई जाते जाते थंडर डोम के फाइनली रॉ के एपिसोड को थोड़ी अच्छी व्यूअरशिप मिली है इस हफ्ते रॉ के एपिसोड के अंदर, क्योंकि इस हफ्ते जो व्यूअरशिप आई है पिछले हफ्ते के मुकाबले ज्यादा आई है और व्यूअरशिप आई है 1.609 मिलियन व्यूअर्स। वैसे जब से रॉ का प्रीमियर हुआ है तब से लेके ये फिफ्थ लोवेस्ट व्यूअरशिप है WWE की, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ पिछले हफ्ते के बारे में पिछले हफ्ते 1.472 मिलियन व्यूअरशिप आई थी, तो भाई पिछले हफ्ते के मुकाबले फाइनली जो हालात है थोड़े से सुधर चुके हैं क्योंकि व्यूअरशिप 1.609 मिलियन व्यूअरशिप के पास आ गई है। और इसके बाद मनी इन द बैंक के शो के बाद लाइव फैंस के साथ रॉ होने वाला है और अगर वहां पर व्यूअरशिप 1.9 मिलियन या फिर 2 मिलियन नहीं आती है तो शायद WWE के लिए थोड़ी बेइज्जती वाली बात होगी कि रॉ के अंदर इतनी ज्यादा हाइप बनी है लेकिन फिर भी यहां पर लाइव फैंस भी आ गए और फिर भी यहां पर व्यूअरशिप ज्यादा
अच्छी नहीं आ पाई है। देखते क्या आती है अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉक एपिसोड की व्यूअरशिप, लेकिन डेफिनेटली WWE इस व्यूअरशिप से भी काफी ज्यादा खुश होगी। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और ये जुड़ी है अपने सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। और आज चाहे आंधी चाहे आधे तूफान और आज है बिलियन डॉलर के मेगा हॉलीवुड के कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जॉन सीना स्टिल आएंगे समर स्लैम के अंदर और वो फेस करने वाले हैं रोमन रेंस का। बीच में अचानक से डाउट बन गया था कि शायद जॉन सीना में WWE के अंदर रिटर्न ना करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद एक अपडेट आती है सामने कि नहीं भाई, जॉन सीना जो अभी फिलहाल अपना हॉलीवुड का पूरा प्रोजेक्ट है उसको फिनिश कर चुके हैं और उनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो समर स्लैम के जस्ट बाद स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब ये कि समर स्लैम में जो पूरा एक महीने का गैप है इसके बीच में जॉन सीना पूरे तरीके से फ्री हैं। और इसको लेकर भाई आज एक कंफर्मेशन अपडेट आती है सामने जो कि रिवील करती है जॉन सीना की रिटर्न डेट। और ये अपडेट आती है सामने फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से और भाई फाइटफुल सिलेक्ट इस बात को कंफर्म करता है कि जॉन सीना की जो रिटर्न है वो स्मैकडाउन के शो के अंदर होगी जो कि 23 जुलाई का स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है। और भाई ये जो स्मैकडाउन का शो होगा ये मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बाद WWE का पहला स्मैकडाउन का एडिशन होने वाला और माना ऐसा जा रहा है वहां पर हमें एक बार फिर वापस आते हुए नजर आएंगे अपने जॉन सीना और उसी शो पर वो कन्फ्रंट करने वाले हैं रोमन रेंस को और वो उन्हें चैलेंज करेंगे समर स्लैम 2021 के लिए। वैसे जो पहला शो लाइव फैंस के साथ में होगा वो 16 जुलाई को होने वाला है और लग ऐसा रहा है शायद वहां पर जॉन सीना नहीं है क्योंकि मनी इन द बैंक को लेकर ऑलरेडी जो रोमन को लेकर जो बिल्ड है वो काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है स्मैकडाउन के शो के अंदर, इसलिए शायद WWE उस चीज को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहेगी। इसलिए जो जॉन सीना की रिटर्न है वो मनी इन द बैंक के बाद 23 जुलाई के स्मैकडाउन के शो के लिए अब पूरे तरीके से कंफर्म हो चुके। तो भाई लोग मिठाइयां बंटवा दो और बड़े बड़े हलवाइयों को दे दो ऑर्डर, मैं भी अभी सिर्फ 2 करोड़ का ऑर्डर देके आ रहा हूँ। मुझे पता है काफी तगड़ी ओवर एक्टिंग होगी तो भाई 50 रुपए तो काट नहीं मत, और ऊपर से मुझे पता है बहुत ही भद्दा मजाक था। लेकिन भाई देखो माना ऐसा भी जा रहा है कि जो WWE है वो मनी इन द बैंक के जस्ट बाद जो जॉन सीना की रिटर्न है उसे ऑफिशियली अनाउंस कर सकती है ताकि जो व्यूअरशिप है उसके अंदर हमें एक तगड़ा उछाल आता हुआ नजर आए। जब लास्ट टाइम स्मैकडाउन के शो के लिए जॉन सीना की रिटर्न अनाउंस की गई थी जब उनका ब्रे वायट या फिर गेलो फिएंड के साथ फ्यूड स्टार्ट हुआ था तो उस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप आई थी 2.6 मिलियन के आसपास जो कि काफी अच्छी व्यूअरशिप है और शायद इसलिए WWE इसका फायदा उठाना चाहेगी और व्यूअरशिप हमें इंक्रीज करने के लिए जॉन सीना की रिटर्न पहले से ही अनाउंस भी करती हुई नजर आ सकते हैं। बाकी देखते क्या होते 23 जुलाई के स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर जब जॉन सीना की एक बार फिर से होने वाली रिटर्न। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नोबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।